हेलो नमस्कार, मैं सोनी आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी तस्वीर है और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। इस होली के महापर्व पर आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। आइए आपको मैं अपनी सोसाइटी में जो होली सेलिब्रेशन होता है उन सब में ले जाती हूँ। तो ये 2021 का होलिका दहन की तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी में 28 तारीख के शाम में हम सभी नीचे आए थे और ये जो अरेंजमेंट हुआ था ये 6:30 बजे से इसकी तिथि थी होलिका दहन की। तो ऐसे तो दो होलिका दहन हुए थे, फेज वन और फेज टू में। ये फेज वन की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे करीब सैकड़ों लोग खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे होली भी खेलना शुरू कर चुके थे, छोटे छोटे बच्चे आपस में ही होली खेलना शुरू कर चुके थे और बहुत खुश थे लोग। ये जिस दिन होली थी, होली के दिन की तस्वीर है ये। सैकड़ों लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, होली के हुल्लड़बाजी में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इतना रंग बिरंगी में नजर आ रहे होंगे और बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सामने में मंदिर है, ये जो दिख रहा है हमारी सोसाइटी का मंदिर है। फिलहाल तो ये 12 बज चुका था तो मंदिर बंद थी। लोग अपनी होली के त्यौहार में मस्त थे और नाच गाने में व्यस्त थे। यहाँ पर बच्चों के लिए खासकर कोल्ड ड्रिंक की इंतजाम थी और बच्चे बहुत खुश थे। हमारी सोसाइटी में हर साल होली दिवाली में लंच का इंतज़ाम होता है। जो हमारे प्रधान जी हैं, जो प्रेसिडेंट है हमारे सोसाइटी, ये सामने में ही हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं और ये खाने पीने का पुख्ता इंतजाम रखते हैं। और हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने होली में बहुत अच्छा अरेंजमेंट रखा था, जिसमें कि चावल थे, छोले थे, पकौड़े थे, आलू के पकौड़े आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोभी के पकौड़े, ये आलू के पकोड़े थे और ये ग्रीन पकोड़े हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम था, खाना काफ़ी टेस्टी बना था और ये फ्री अनलिमिटेड फूड था सारे नागरिकों के लिए। लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास था और लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। खासकर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स थी वो बहुत अच्छा व्यवस्था थी, बच्चे पी भी रहे थे और बर्बाद भी कर रहे थे, तो ये अच्छी बात नहीं। आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का बहुत अच्छा इंतजाम था, बच्चों ने काफ़ी खाना खाया पिया, फिर से नाचना गाना शुरू हुआ। ये करीब 4 बजे तक इसके कार्यक्रम होता था। हम तो 1-2 घंटे में अब वापस घर चले आए, लेकिन पता चला कि 4 बजे तक बच्चों ने खूब इंजॉय किया। आप देख रहे हैं ये होलिका दहन के लिए, यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे होली के त्यौहार को सेलिब्रेशन के लिए। आप देख सकते हैं बच्चे बड़े सभी इंजॉय कर रहे हैं नाच रहे हैं। इसके बाद होलिका दहन को प्रज्वलित किया गया। यहाँ पे देख रहे हैं पंडित जी पूजा प्रारंभ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और सभी जितने भी नागरिक थे सभी ने पूजा की, आराधना की, हवन किया और फिर लोगों ने फेरी दी।
मान्यता के अनुसार होलिका दहन जो मनाया जाता है, इसमें प्रहलाद की बुआ होलिका का दहन किया गया था, तभी से ये होली मनाया जाता है। कहते हैं ये होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के कारण मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, ये उम्मीद है आप सभी को पता होगा। और जब ये होलिका दहन हो जाती है तो इसके राख और भस्म को लोग लेकर अपने घर आते हैं और उसकी तिलक लगाते हैं, और साथ में जो घर में पकवान बनता है उसे हम होलिका दहन की अग्नि में भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि दिल्ली वालों में कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं है। वो इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे कि बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। आप देख रहे हैं लोग फेरी ले रहे हैं और खुश हैं, पर यहाँ पर कोरोना का असर थोड़ा कम है। ये जो तस्वीर है हमारी सोसाइटी के फेज टू का, यहाँ भी होलिका दहन का अरेंजमेंट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही व्यवस्था की गई थी जैसे फेज वन में है। यहाँ भी पंडित जी आए, उन्होंने पूजा शुरू की, मंत्रोच्चारण किया और अग्नि को प्रज्वलित किया। यहाँ भी हम सम्मिलित हैं। रात का करीब 8 बज चुका था और सैकड़ों की भीड़ थी, लोग बहुत आनंद उठा रहे थे और हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, अपने रीति रिवाज को निभा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।